सतगुरु सतनाम तुम को लाखो प्रणाम। तुम को लाखो प्रणाम। तुम को लाखो प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जिस स्थान पर आप रह रहे हो यह स्थान काल का देश है, यानी मृत्यु लोक। यह आपका घर नहीं है, आपका देश नहीं है, आप यहां रह नहीं सकते हो। तो आप अपने घर में चलने की तैयारी करो, क्योंकि दूसरे के सामान को छोड़ो और अपना सामान पकड़ो। तुम कहोगे मैं ये भी सामान ले जाऊंगा तो ये सामान वहां जाएगा नहीं। ये जो भी सामान है सब कूड़ा कचरा है, इसमें कुछ नहीं कि यह सामान वहां है नहीं। तो दूसरे के सामान को फेंक दो और अपना सामान पकड़ लो, तब तो चल दोगे घर से। और अपना सामान छोड़ दिया दूसरे को पकड़े हुए हो तो हमारी दशा क्या हो रही है कि जब तोता पकड़ते हैं तो गिर्री होती है, गिर्री ऐसे उसको लगा देते हैं। तो धीरे से उसको ले जाते हैं, डाल के पास में उसको पहुंचा दिया जहां तोता बैठता है। बस धीरे से उसने एक पैर उठाया और इस गिर्री को पकड़ लिया, बस वो झूल गया, एकदम लटक गया। अब गुर्री घूम गई तो उसको क्या भ्रम होता है कि हमको पकड़ लिया। जो गिर्री घूम गई उसने नहीं पकड़ा, वो ऐसे आप पकड़े हुए अपने अपने पंजे से ऐसे और छोड़ नहीं रहा, तो उसको भ्रम हो गया कि हमको पकड़ लिया इसने। तो धीरे से उतार के ले आएगा तोता पकड़ लेगा। जब बंदर को पकड़ते हो तो एक हांडी छोटे मुंह की उसमें चने डाल दिए और जमीन में गाड़ दी, एक रस्सी उधर बांध दी एक इधर बांध दी, और उधर से बंदर आया उसने हाथ डाला तो हाथ तो छोटा पतला, जब उसने डाल दिया तो चने पकड़ लिए। और बंदर को चने से बहुत मोह, ऐसे पकड़ लिया तो मुट्ठी फैल गई। अब वो क्या समझता है कि हमको इसने पकड़ लिया, इस हांडी ने हमको पकड़ लिया, तो चीची करता। ठीक यही दशा अपने लोगों की है कि हमने अनजान में ये समझ लिया कि हमको इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ लिया, क्योंकि यही तो चीजें आपकी है नहीं, परदेश है, परदेश की चीजें। अपना देश होता अपनी चीजें होती तब तो ठीक था, लेकिन पराए देश में आकर के पराई चीजों को पकड़ कर और अब मतलब ये है कि उसको झूल रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो। तो महात्मा कहते हैं भाई ये तो परदेश है, अपना देश अपने देश में, चलो अपने घर में। उसमें चलने के लिए तुम दरवाजे पर बैठे हुए हो, उसके साथ सामान को पटको और अपना साथ सामान पकड़ो तो चल पड़ो घर की तरफ। अब तुम ये छोड़ोगे नहीं तो उसका छेद तो बहुत छोटा है, सुई होती है उसके हजार यानी छेद किए जाओ उससे भी छोटा है, तो उसमें ये कैसे सूख जा सकता है। ये संसार सूप है, ये उसमें नहीं जाएगा। अगर बारीक हो जाओ तो चले जाओ छेद, तो सामान फेर दो तो बारीक हो जाओ, उसके छेद में चले जाओगे निकल जाओ। तो जीवात्मा
दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये मध्य भाग है, ये सेंटर है, ये दरमियान है, इसमें जीवात्मा बैठी, शरीर में नहीं है। ये नाक है, ये मुंह है, गला है, सीना, ये नाभि है, इंद्रिय द्वार, इधर कुछ नहीं, यहां से नीचे कुछ नहीं है। वो तो आकाश तो यहीं तक है। ये जब दो आंखों से देखते हो, जब आंख खोलते हो तो समझते हो ऊपर आकाश है, आंख बंद कर लो तो ये आकाश यही है बस। ये दोनों आंखें हैं, ये दोनों नीचे हैं, ये दोनों नीचे, दोनों नाक नीचे है। इस आकाश के ऊपर में बैठी हुई है वो जीवात्मा, ऊपर है। उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंखें। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में दो नाक। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में दो कान। तो कितने कान हुए? तीन कान हुए। अब यह है कि तीन कान है, तीन आंख है, तीन, ये तो मोटी चीज है। ये तो ऐसी पराविद्या थी सनातन कि सब लोग उसको जल्दी से, यानी जैसे ही जन्म लिया वैसे ही सीख लेते थे। अब इस पराविद्या को सिखाने के लिए कितनी मेहनत, क्यों ऐसी मेहनत पड़ती है कि जब आए थे पैदा हुए तुरंत, तो तुमने उस रामायण को नहीं सुना कि जब तुरंत अपनी विद्या को पकड़ लिए, देर नहीं लगी, जैसे ही बाहर माँ के गर्भ से आए वैसे ही सामने उस विद्या को पकड़े हुए थे। तो कहते हैं कि भाई उस समय पर तो तुम्हारी उम्र लाख बरस की थी, इस शरीर की उम्र उस समय लाख बरस की थी। जब जीवात्मा लाई गई यहाँ और इस मनुष्य रूपी मंदिर में ये बैठाई गई तो इसकी उम्र थी लाख बरस की। तो लाख बरस की बच्चा जब पैदा हुआ माँ के पेट से, तो जीवात्मा को जब पांचवें महीना लगा तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि उसने पहले खोल बनाया। तो ये रचना का पूरा विवरण आपको तो पता नहीं, आपको तो मालूम नहीं, किसी से आपने सुना नहीं, समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। सही सच्ची बात है कि जीवात्मा किस तरह से आई ये भी नहीं मालूम, और जीवात्मा है क्या ये भी आपको नहीं पता, और वो जीवात्मा कैसे जाएगी वो भी नहीं मालूम। तो सब भूल भाल करके तो सब खत्म है। लेकिन जो हमारी सनातन पराविद्या ईश्वरीय आध्यात्मिक योग विद्या थी वो तो प्राय सबकी, सब लोग, तब तो रामायण में उन्होंने कहा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, एक भी यानी अल्प नहीं था, अज्ञान नहीं था, सब योगी और सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी, सब के सब प्रभु के ध्यान में संलग्न थे। और पार जैसे ही समय पूरा हुआ लाख बरस का, वैसे सीधे पार गए। उसी को कहते हैं भवसागर नदी से पार जाओ। अब वो तो मतलब ये है कि जब उसके देश का विधान बन गया और आपको उसका अधिकार दे दिया कि देखो मेरे देश का ये विधान है, उसने बना दिया, और तुमको मैं पूरा अधिकार देता हूं। तो विधान बना, ऐसे तो विधान बनाया नहीं। जब लाख बरस की आयु पूरी हुई तो जीवात्मा सब वापस गई, क्योंकि कोई चौकी पैरा रोक टोक कुछ बंधन तो था नहीं उस समय, कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये कुछ नहीं था, कोई किसी तरह की गंदगी थी नहीं। तो जीवात्मा लाख बरस पूरा क्यों वापस गई? तो इस तरह की अनगिनती खेप है, यहां आकर के वापस चली गई। लेकिन जब देखा कि सभी चली जाएंगी और यहां कुछ नहीं रहेगा, तब फिर उन्होंने ये बंधन लगाया। तो ऐसे बंधन नहीं लगा, बंधन लगाने में बहुत समय लगा। अपनी शक्तियां पैदा करेंगे, उनसे तपस्या कराएंगे, फिर उसको उनको अपना हुक्म देंगे, उसके बाद फिर वो मतलब विधान बनेगा, विधान बनाने के बाद फिर सुनाया जाएगा, सुनाने के बाद तब आपको अधिकार बताया जाएगा। तो समय लगा बहुत समय, 20,000 बरस तो तप में लग गए, उसके बाद में उन्होंने हुक्म दिया तो फिर विधान बना। जब समाधि लगाई तो देववाणी हुई ईश्वर की कि हम जो बोले सो लिख दो, तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले। उस समय पर तो कोई कागज नहीं था इस तरह का, तो पेड़ों की छाल निकाल करके उसी में लिख दिया, उसी को चार वेद कहते हैं।
पूरा का पूरा विधान रोगी का, कोड़ी का, लूले का, लंगड़े का, अंधे का, बहरे का, अमीर का, गरीब का, निर्धन का, धनी का, राजा का, रैयत का, रूप का, कुरूप का, ये सब चार खानों का, 84 लाख योनियों का, नरकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, सब बन गया। और आपको बता दिया, सुनाया कि भाई देखो, बता दूं कि विधान बन गया है, सबको अधिकार दिया जाएगा। तो सबको सुनाया, तिथि ताली रखी। और अधिकार क्या, दो चीजें थी, एक तो पाप था, एक पुण्य था, एक अच्छा एक बुरा। उन्होंने कहा देखो ये अच्छा ही बुरा, तुम सत्य बोलो असत्य बोलो तुम्हारी मर्जी, आंखों से अच्छा देखो बुरा देखो तुम्हारी मर्जी, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो तुम्हारी मर्जी, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा करो तो तुम्हारी इच्छा की बात, हमारी तरफ से पाप पुण्य में कोई भी रोक टोक नहीं है कि ये मत करो ये करो, ना हम पुण्य में रोकेंगे ना पाप में।